ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मध्य प्रदेश नरेला विधानसभा भोपाल में मध्य प्रदेश मजलिस के फायर ब्रांड नेता जनाब पीरजादा तौकिया निजामी जी के नेतृत्व में सभी सूफी हजरात ताजियेदारों अखाड़ों वाले सवारी वालों और अलम वालों को सम्मान पत्र देकर हार फूल डालकर सम्मानित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब एडवोकेट सुहेल हाशमी साहब बुरहानपुर AIIMIM कोर कमेटी सदस्य मध्य प्रदेश एवं जनाब सरफराज खान साहब जबलपुर AIIMIM कोर कमेटी सदस्य मध्य प्रदेश और ताहिर अनवर साहब भोपाल AIIMIM कोर कमेटी सदस्य मध्य प्रदेश एवं विशेष स्थिति जनाब सुल्तान नदीम अध्यक्ष नरेला विधानसभा, जनाब रेहान पठान महासचिव नरेला विधानसभा, जनाब आसिफ नरेला, जनाब सूफी बबलू बाबा के कर कमलों द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। इस अनोखे और भव्य कार्यक्रम में इमरान बाबा, नफीस बाबा, मुन्ना बाबा, जब्बार बाबा, रफीक बाबा, शेरू बाबा, हुसैन बाबा, शादाब बाबा, शानू कुरैशी, महबूब खान, JP यादव, विजय बाबा, आसिफ गोताखोर, अकबर बाबा, रवि बाबा, राहुल प्रजापति, अयाज सहवाज बाबा, भूरा बाबा, शमशेर बाबा, शरीफ बाबा, शाकिर बाबा, पप्पू बाबा, जाहिद बाबा, आशु बाबा आदि लोग और सैकड़ों की तादाद में लोग ने शिरकत की। सभी को सम्मानित किया गया। शहजाद हाशमी मजलिस भोपाल। असल वहां से गुजारिश है कि वो भी आ जाए, उनका स्वागत है। वार्ड नंबर 41 से हमारे बीच में मुन्ने भाई को आपने देखा होगा, सांप पकड़ने में बड़े माहिर हैं। हमारे बीच में यहाँ पेश किए तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्होंने हमें एक दिया और एक ताकत दी। आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं मजलूमों की आवाज़ अगर कोई है और कहीं से आवाज़ उठती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर सुधीर ओवैसी साहब की आवाज़ उठती है। संसद से सर मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दी है। MI तब तक सूची जारी करेगी। सुधीर ओवैसी साहब के आदेश पे कोर कमेटी उस सदस्य मध्य प्रदेश की रुकी हुई है। जब कोर कमेटी तमाम संभागों की मध्य प्रदेश के लिए जितने संभाग हैं उनकी समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट पेश करेगी, एस एस आर उसके विषय में बताएंगे। सर MI ने नरेला चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जनता का विश्वास बनती जा रही है, क्या 2023 में चुनाव का प्रदर्शन मिलेगा? इंशाल्लाह आपको देखने मिलेगा कि नगर निगम चुनाव से बेहतर रिजल्ट विधानसभा में आपको देखने मिलेगा। सर पिछले कई सालों से कांग्रेस का राज रहा मध्य प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, जनता ऊब गई और विकास नाम पर जनता ठगा गया। क्या MI सरकार बनाई, क्या मुद्दों पर लेकर सरकार बनाई? MI अभी तो फिलहाल भागीदारी में लगी हुई है, भागीदारी पर काम कर रही है। अगर साहब का जो एजेंडा है वो मुस्लिम क्यादत को खड़ा करना है। सबसे पहले हमारा मकसद क्यादत खड़ी करना है, हमारी एजेंडा। सर सरकार बनाने का अवसर मिला, किस पार्टी के सामने समर्थन करेंगे? ये सब विषय कि ये सब विषयों पर एस एस आर भी बोल सकते हैं कि किसके साथ हमारा गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा। आज जो कार्यक्रम हुआ आपका, देखिए आज हमारा नरेला विधानसभा का कार्यक्रम है। इस शहर में जो भी गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखे हैं सारे लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख ईसाई हों, सारे लोगों के त्यौहार जो आते हैं उन त्यौहारों पर आज जब जिनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ कोर कमेटी के लोग जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं, आज वो लोग हमारे नरेला विधानसभा के यहाँ बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। क्योंकि जी लगातार देख रहे हैं जनप्रतिनिधि है, पत्रकार है, जो उनके आए दिन हमले होते रहते हैं, आपकी पार्टी सरकार बनाती है तो जो कानून पत्रकार जी लेकर आएंगी सुरक्षा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असद साहब हमेशा पत्रकारों के लिए और पूरी प्रेस के लिए आपने देखा था बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, और हमारी MIM पार्टी भी आपका बहुत सम्मान करती है। अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो असद साहब जरूर आप लोगों के लिए बात करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि गंगा जमुनी तहजीब
क्योंकि इस मुल्क में जिस तरह की नफरतें बढ़ रही हैं, इस नफरत के बीच में आज हमारे बीच में हिंदू समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सारे लोग आए हैं। आज हम मिल बैठ कर भाईचारा बना रहे हैं नरेला विधानसभा में। आने वाले कल में भी हमारा ये संदेश है कि नफरतें चाहे जितनी बढ़ जाएं, लेकिन मोहब्बतें हर हाल में कायम रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मेहरबान। सर आज जो बैठेंगे क्या मजदूर बैठेंगे? देखिए नरेला विधानसभा में हमारे जो है कार्यक्रम करना है, तो हमारी इतनी मेहनत है, हम कई सीटों पर जो भोपाल के अंदर चुनाव लड़े हैं उसमें हमारी ज़्यादा फोकस हमारा नरेला विधानसभा पर है। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ जहाँ कई जगह प्रोग्राम जो है तो हमें लगता है कि हम इस इलेक्शन में जो है अच्छा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे।